आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फोन पे के वॉलेट को एक क्लिक में तुरंत हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और फोन पे वॉलेट को एक्टिवेट करने के बाद हम अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई बैंक अकाउंट से फोन पे के वॉलेट में हम ऐड मनी किस तरीके से कर सकते हैं। और गाइस देखिए, फोन पे के ऐड किए हुए बैलेंस को हम फोन पे के QR कोड पर सेंड करके अपने बैंक अकाउंट में हम कैसे ले सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगता है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन पे वॉलेट का। यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। हमारा वॉलेट बैलेंस 0 है और नीचे की साइड लिखा हुआ है एक्टिवेट योर वॉलेट। तो गाइस देखिए, अगर आपको भी इस तरीके का एक्टिवेट योर वॉलेट का पेज देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है हमारा जो फोन पे का वॉलेट है वो अब इनएक्टिव हो चुका है। अब ये जो हमारा वॉलेट है ये इनएक्टिव क्यों होता है, यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है योर वॉलेट हैज बीन इनएक्टिव फॉर द लास्ट 12 मंथ। तो गाइस देखिए, इस लाइन का मतलब ये है हमने अपने फोन पे के वॉलेट को पिछले 12 महीने मतलब एक साल से यूज नहीं किया है, इसलिए हमारा जो फोन पे का वॉलेट है वो इनएक्टिव हो गया है। जब तक हम अपने फोन पे के वॉलेट को एक्टिवेट नहीं कर लेते तब तक हम क्रेडिट डेबिट कार्ड UPI के थ्रू फोन पे के वॉलेट में हम एड मनी भी नहीं कर सकते या फिर फोन पे वॉलेट से हम कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने फोन पे के वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट किस तरीके से कर सकते हैं वो तरीका इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। फोन पे वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है एक्टिवेट वॉलेट, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। अब गाइस देखिए, जिस नंबर से हमारा फोन पे का अकाउंट बना हुआ है उस नंबर से एक SMS सेंड होता है, हमारी सिम में रिचार्ज होना जरूरी है। तो गाइस देखिए, जैसे ही हमारी सिम से SMS सेंड होता है तुरंत हमारा जो फोन पे का वॉलेट है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर हम इस तरीके से बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर से अगर हम फोन पे वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर हमारे जो फोन पे वॉलेट का पेज है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। हमारा जितना भी वॉलेट बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा, हमारा वॉलेट बैलेंस इस टाइम 0 रुपीज है। तो गाइस चलिए, 100 रुपए का बैलेंस मैं आपको अपने बैंक अकाउंट से फोन पे के वॉलेट में मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज का अमाउंट एंटर कर लिया है। हम यहाँ पर मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का अमाउंट अपने फोन पे के वॉलेट में हम ऐड करके रख सकते हैं। तो चलिए, अब नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड टू टॉपअप, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑटो टॉपअप, यहाँ पर हमें गलती से भी क्लिक नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करके ऐड मनी कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से फोन पे के वॉलेट में ऐड मनी हो जाया करेगी, इसलिए नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू टू टॉप अप, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे और एक ही बार हमारे फोन पे के वॉलेट में ऐड मनी होगी। तो हमारे जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर शो होने लगेंगे, ये हमारा कैनरा बैंक और SBI बैंक लिंक है। इसके अलावा अगर हम डेबिट क्रेडिट कार्ड से ऐड करना चाहें तो नीचे की साइड लिखा हुआ ऐड डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने कार्ड नंबर को एंटर करके क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी अपने बैलेंस को हम ऐड कर सकते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, अगर हम डायरेक्ट अपने UPI बैंक अकाउंट से या फिर डेबिट ATM कार्ड से फोन पे के वॉलेट में अगर हम ऐड मनी करते हैं तो कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, जबकि अगर हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन पे के वॉलेट में ऐड मनी करते हैं तो 2.30% की कन्वीनियंस फीस लग जाती है। तो गाइस देखिए, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन पे के वॉलेट में ऐड मनी करने पर फोन पे ऐप अलग अलग यूजर्स को अलग अलग तरह के कन्वीनियंस चार्ज लगाता है, जैसे किसी पर 1.5%, किसी पर 1.8%, किसी पर 2%, मेरे फोन पे में 2.30% की ये फीस लग रही है। तो गाइस चलिए, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम अपने UPI बैंक अकाउंट से फोन पे के वॉलेट में हम ऐड मनी कर लेते हैं। UPI पिन को हमें एंटर कर देना है, उसके बाद कन्फर्म। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो 100 रुपए का जो बैलेंस है ये हमारे फोन पे के वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फोन पे का वॉलेट बैलेंस अब 100 रुपए हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हमने अपने फोन पे के वॉलेट में बैंक अकाउंट से या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से ATM कार्ड से या फिर फोन पे की तरफ से हमें कैशबैक मिला हुआ है, उस फोन पे के वॉलेट बैलेंस को अगर हम फोन पे के QR कोड पर सेंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो तरीका चलिए अब हम आपको बता देते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपल से बैक आ जाना है और ऊपर की साइड हमें QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और ये जो हमारा फोन पे का QR कोड है इस QR कोड को हम स्कैन कर लेंगे। ऊपर की साइड नाम आ जाएगा, जो भी नाम रजिस्टर्ड होगा। और गाइस देखिए, नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर अमाउंट, तो यहाँ पर 100 रुपए का बैलेंस मैं आपको सेंड करके दिखाऊंगा, प्रोसीड टू पे कर देना है। और यहाँ पर हमारा फोन पे का वॉलेट बैलेंस शो रहा है जो कि इस टाइम 100 रुपए है। तो फोन पे के वॉलेट बैलेंस के अलावा UPI के थ्रू भी हम इस QR कोड पर पैसे सेंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, फोन पे के QR कोड पर ही हम फोन पे के वॉलेट बैलेंस को सेंड कर सकते हैं। अगर हम कोई अदर QR कोड
पर सेंड करेंगे तो हम सिर्फ यूपीआई बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, फोन पे वॉलेट बैलेंस से नहीं कर सकते। ये वॉलेट बैलेंस सिर्फ फोन पे के क्यूआर कोड पर सेंड होता है। तो चलिए फोन पे के वॉलेट बैलेंस को हम अपने फोन पे के इस क्यूआर कोड पर सेंड कर देते हैं। इस क्यूआर कोड से हमारा बैंक अकाउंट लिंक है तो ये जो हमारा फोन पे का वॉलेट बैलेंस है ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमें सिंपल से पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और एक क्लिक में हमारा ये जो बैलेंस है ये ट्रांसफर हो रहा है। तो आप देख सकते हो फोन पे के इस क्यूआर कोड पर 100 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है सक्सेसफुली हमारे इस क्यूआर कोड के थ्रू बैंक अकाउंट में। अब हमारा जो फोन पे का वॉलेट बैलेंस है वो 0 रुपीज हो चुका है। और गाइस देखिए अगर हमारे फोन पे के वॉलेट में बैलेंस होता है तो हम अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस से कोई भी रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और कैशबैक भी पा सकते हैं। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने फोन पे के वॉलेट को एक क्लिक में आप एक्टिवेट कर सकते हैं और फोन पे के वॉलेट में आप अपने बैंक अकाउंट से या फिर एटीएम डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ऐड कर सकते हैं और फोन पे के वॉलेट बैलेंस को आप फोन पे के क्यूआर कोड पर भी सेंड कर सकते हैं और आप अपने फोन पे के वॉलेट को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।